गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया है? क्वेश्चन लिखा गया है कि 1.20, 0.01, 0.23, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी ये पांच संख्या दिया गया है, ये पांचों संख्या को एक क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस परिस्थिति में हम लोग सबसे छोटे गुणांक में सबसे छोटे अंक से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आगे बढ़ना, और सबसे छोटे फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े हम लोग यानी एक क्रम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इन पांच संख्याओं में कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, उसी संख्या हम स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ना। ठीक है, पहले आप लोग देखेंगे पॉइंट बॉल एक है, दो है, ठीक है, जीरो है, जीरो है, एक है, यानी एक दो एक, क्या है जीरो जीरो से बड़ा है, यानी जो तीनों गुणांक है ये वाला ये क्या है इन दोनों से बड़ा है। क्यों, क्योंकि पॉइंट बॉल एक है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, जब इसमें क्या है शून्य है और शून्य है। तो पहले हम तुलना करेंगे इन दोनों में कि कौन से इन दोनों में सबसे छोटा है। तो आप देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, 0.123 है और 0.21 है। तो पहले हम तुलना करते हैं जीरो के दशमलव के बाद एक स्थान का, तो यहाँ देखेंगे कि क्या है एक है और यहाँ क्या है जी दो है। तो एक और दो में कौन बड़ा है जी और कौन छोटा है, तो दो बड़ा है और एक छोटा है, यानी 0.123 जो है 0.21 की तुलना में छोटा है। ठीक है, ये गुणांक इससे छोटा है। तो पहले हम लोग इस क्रम को लिखेंगे, यानी लिखेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम बराबर लिखेंगे 0.123। ठीक है, और हम लोग इसमें ग्रेटर देन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 0.123 से बाद आएगा 0.21। ठीक है, यानी ये क्या है इससे बड़ा। चलिए अब तुलना करेंगे इन तीनों में, तो यहाँ दो है तो सबसे बड़ा है, इसको हम सबसे लास्ट लेंगे। अब यहाँ क्या है पॉइंट को पहले एक है, यहाँ भी एक है, तो पहले इन तीनों को पहले तुलना करते हैं कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। 1.20 है और 1.02 है। अब हम तुलना करेंगे पॉइंट के बाद वाले गुणांक से, तो पॉइंट बाद क्या है टू है और यहाँ क्या है शून्य है, तो शून्य यानी जीरो और टू का कौन बड़ा है जी, टू बड़ा है, जीरो छोटा है, यानी 1.02 क्या है जी 1.20 तुलना में छोटा है। बोले इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1.02। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे ये पूरा 1.20 और सबसे लास्ट में जाएगा क्या जी टू, सबसे लास्ट में जाएगा 2.01। इस चिन्ह का मतलब यह होता है कि जो संख्या इसके बाहर है वो तो संख्या क्या है जी अंदर इसमें तुलना में छोटा है। ठीक है, तो समझेंगे इस चिन्ह का अर्थ यही होता है कि जो भी संख्या इस चिन्ह के अंदर है वो संख्या इस चिन्ह के बाहर वाली संख्या की तुलना में बड़ा है। ठीक है, यानी 0.123 जो है ये क्या है 0.21 से छोटा है, जबकि 0.23 से बड़ा है। ठीक है, यानी ये जो है इससे बड़ा है और ये जो है इससे बड़ा है और ये जो है इससे बड़ा है
और ये जो है इससे बड़ा है अर्थात सबसे बड़ा क्या है ये 2.01 यानी ये इसका रहा बढ़ते क्रम का सही आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया है दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपयों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग है दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपयों में, ठीक है, रुपये में व्यक्त कीजिए। रुपये में व्यक्त कीजिए, इसके तहत 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी और सी। यानी क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 212 रुपया 10 पैसा। ठीक है, बी में दिया है 5 रुपया 5 पैसा। सी में दिया है 315 पैसा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। हेडिंग कह रहा है कि जो रुपया दिया गया है इसको दशमलव का प्रयोग करते हुए, यानी दशमलव का प्रयोग करते हुए इसे दशमलव लिखना है। यहाँ दिया गया रुपया, यहाँ दिया गया पैसा। तो चूंकि आप लोग जानते भी हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है, अर्थात 100 पैसे बराबर 1 रुपये होते हैं, सबको बात मालूम है ये। तो रुपया रहेगा ही, जो पैसा दिया गया है इसको हम सिर्फ चेंज करेंगे रुपया में और उसके बाद उसको हम लोग 20 रुपये में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये रुपया को इसका कुछ नहीं करना है, रुपया को और रुपया में रहेगा ही, जो पैसा दिया गया है इसको हम लोग चेंज करेंगे रुपये में और जितना सामान आएगा उसको हम लोग 20 रुपये में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए समझिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है 212 रुपया और 10 पैसे लिखेंगे यहाँ पे 1 रुपया बराबर 100 पैसा या 100 पैसा बराबर 1 रुपया। इतना बात सबको मालूम है। चलिए अब जो रुपया है इसको हम लोग चेंज करके रखेंगे, जो पैसा है इसको हम चेंज करेंगे इसमें की रुपया में। तो कैसे इसको चेंज करेंगे समझेंगे। यहाँ दिया गया है 10 पैसा, तो अभी हम लिखे कि 1 रुपये में कितना पैसा है, 100 पैसा। 100 पैसा बराबर 1 रुपया, अर्थात जो 100 पैसा होगी 1 रुपये बराबर है, यानी 1 रुपये में 100 पैसा और 100 पैसा में 1 रुपया, क्या कितना पैसा है 10 पैसा है। अब इस पैसे हम चेंज करेंगे रुपया में, तो क्या करेंगे कि 100 से इसको भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 100 पैसे में 1 रुपया हो रहा है। ठीक है, अर्थात 1 रुपया किसके बराबर है, 100 पैसे बराबर है। ये जो रुपया है ये 100 पैसे के बराबर है, इसलिए हम इसे 100 से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो आपको आएगा रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए भाग देते हैं, लिखेंगे 212 रुपये प्लस 10/100 रुपये। दोनों आगे रुपये में ध्यान देंगे, 1 रुपये में है। ठीक है, यहाँ रुपया थोड़ा सा देखते हैं, प्लीज, रुपया प्लस 10/100 रुपये कटाएंगे जो सिर्फ कट जाएगा, क्या बचेगा जी, क्या लिख रहे हैं, यहाँ बचेगा आपको 212 रुपया प्लस 1/10 रुपया। फिर लिखेंगे 212 रुपया, अब उसको भाग देंगे, 1 में 10 से भाग देंगे, तो ये क्या 10 से छोटा है, क्या आएंगे 0.10 एकम 10।
यहाँ कट गया, क्या मिल गया, ध्यान मिल गया पॉइंट वन, क्या मिल गया जी पॉइंट वन, यानी दशमलव एक रुपया आ गया। ठीक है, क्या आ गया, क्या आ गया रुपया, अब ये भी रुपया है, रुपया के रुपया में दोनों राशि समान है, इसको ऐड कर देंगे, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा जी 212.1 रुपया आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर बी और सी को हल करना है। ठीक है, हम आपको ये क्वेश्चन समझा दिए, इसी आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर बी और सी को हल करना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों आपको समझ चुके हैं अच्छी तरह से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।